इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। I'm Medha Singh from Juvena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. क्या आपने puffy eyes, dark circles, hollow sunken eyes, tear trough hollows ये videos देख लिए हैं तो अब बारी है solution की। अभी तक हमने ये सारी बातें जान ली कि diet पर किस प्रकार से ध्यान देना है अगर hollow sunkenness, dark circles, puffy eyes हैं तो, और इसके अलावा क्या lifestyle changes incorporate करने हैं और ये समस्याएं क्यों होती हैं, बचपन से ही क्यों होती हैं और इन्हें control में कैसे किया जा सकता है। अब solution की बारी है कि बाहरी रूप से आप क्या लगाकर इस समस्या को स्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। Juvena Herbals के स्किन केयर रेंज में ये क्षमता है कि उसने अनहोनी को होनी कर दिखाया। इसके अलावा ये जो श्रेय है ये हमारी जड़ी बूटियों की संपदा को जाता है और उसे सारे इसेंशियल ऑयल्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, नॉन विटामिन न्यूट्रिएंट्स के साथ क्लब करते हुए Juvena Herbals की स्किन केयर और हेयर केयर रेंज ने वो सारे सॉल्यूशंस साबित कर दिखाए जो लोगों को बहुत कठिन लगते थे कि ठीक भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और उनके वो सारे मैनेजमेंट्स कर रहे थे और उस वजह से वो सारी समस्याएं, हेयर फॉल, हेयर लॉस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन टोन, माउथ पिगमेंटेशन, बैक डार्कनेस, बैकने और एक्जिमा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं हो रही थी, तो वो सारी समस्याएं लोगों की ठीक होती लोगों को नजर आई, इसलिए लोगों का रुझान Juvena Herbals की तरफ ज़्यादा बढ़ा। आइए सॉल्यूशन जानते हैं कि आपको कैसे कैसे, कब क्या चीज़ें लगानी है, कौन से प्रोडक्ट्स किस समय इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे चाय, कॉफ़ी ये डायोरेटिक्स हैं, वैसे ही त्रिफला एक नेचुरल डायोरेटिक है। तो अगर पफिनेस है, डार्क सर्कल्स हैं, तो आप अपने आयुर्वेदाचार्य से त्रिफला को लेने के तरीके पूछ सकते हैं। नेचुरली आपके बॉडी का जो ब्लोटिंग है और फेस की जो ब्लोटिंग है त्रिफला से वो कम हो सकती है। इसी प्रकार से डायोरेटिक मूवमेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनमें सबसे पहली है मसाज। तो ईजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन में मैंने लिम्फैटिक सर्कुलेशन के बारे में समझाया है। हार्ट के पास तो एक पंप, हार्ट अपने आप में एक पंप है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, लेकिन लिम्फ जो उसके साथ पैरेलल चलता है, जिसका काम है पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन पसीने के थ्रू, यूरिन मोशन के थ्रू और ब्रेथ के थ्रू करना, उसके पास कोई पंप नहीं है। हमारी एक्शंस, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल, हमारा अच्छा खाना, उसी के लिए एक पंप का काम करता है। तो इन्हीं में डायरेटिक एक्शंस में आता है मसाज। तो इसी वजह से बॉडी मसाज का भी बहुत महत्व है। अगर आपकी ब्लोटिंग है, आप थके हैं और लो लिम्फैटिक सर्कुलेशन है और आप चाहते हैं कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हो, फ्लूइड रिटेंशन हट जाए, तो बॉडी मसाज उसके लिए Juvena Herbals में रशियन बाथ, जो कि स्पा सिल्क ऑयल से आप घर में भी कर सकते हैं, बॉडी मसाज क्रीम से आप घर में भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से रशियन बाथ का पूरा पूरा फ़ायदा आप Juvena Herbals में भी ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ मसाज फेशियल को इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनाने के लिए कहते हैं क्योंकि एक ये डायोरेटिक एक्शन है जो सवेरे उठते ही अगर आप 5 मिनट्स के लिए क्लिनजिंग करने के बाद गोल्ड सैफरन या ऑरेंज हनी या कोको बटर क्रीम से कर लें तो लिम्फैटिक सर्कुलेशन बूस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 200 लिम्फ नोड्स हैं। अगर वो बहुत अच्छे से सर्कुलेशन करने लगती हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट कंप्लीट बॉडी पर पड़ता है, और पूरी बॉडी का लिम्फैटिक सर्कुलेशन एनहांस करने के लिए महीने में एक बार आप बॉडी मसाज ले सकते हैं। तो इस ढंग से डायरेटिक एक्शन से आप पफी आइज़ को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ का जो फैट डिप्लीशन होने की वजह से संकननेस आ जाती है, वॉल्यूम लॉस हो जाता है स्किन का, मसल्स का, तो उससे भी आप मसाज से भी उसे वापस ला सकते हैं। साथ साथ क्रोस फीट भी ठीक हो जाएंगे और डार्कनेस भी यहाँ की ठीक हो जाएगी। तो आपके स्किन के अनुसार जो क्लेंजर आपको रिकमेंड किया गया है, गोल्ड क्लेंजर, मैरी गोल्ड क्लेंजर में से, तो वो क्लेंजर से आप क्लेंजिंग करेंगे और उसके बाद गोल्ड सैफरन क्रीम से आप मसाज करेंगे। अगर आपको समस्या यहाँ पर है तो यहीं पर आप मसाज नहीं करेंगे। पार्ट वन पफिनेस डार्क सर्कल्स वीडियो देख लिया है तो आप जान गए होंगे कि क्यों सिर्फ यहाँ की मसाज से फ़ायदा नहीं होगा।
तो आप 5 मिनट की मसाज करेंगे, सेल्फ मसाज फेशियल पर 2 वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उनमें से 2-2 स्ट्रोक्स अगर आप हर एक एरिया के लिए भी अपना लेते हैं, हर एक एरिया से मेरा मतलब है फोरहेड, आईज, चीक्स, चिन, नेक, नेक तक ज़रूर करना है, आप नेक को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ के 2-2 स्ट्रोक्स भी आपने पिकअप करके एक एक स्ट्रोक को 3-3 बार भी रिपीट कर लिया तो 5 मिनट्स की मसाज सक्सेसफुली हो जाती है। क्रीम की मात्रा कम ना हो, पानी की मात्रा कम ना हो, और प्रेशर देते हुए मसाज नहीं करनी है, फेदर टच रहेगा मसाज का। मसाज क्रीम वाइप करने के बाद आप अंजीर एलोवेरा पैक, नॉन ड्राइंग पैक, स्पेशली अंडर आइज एरियाज की थिन स्किन के लिए, लिप्स की, नेक की थिन स्किन के लिए इसे बनाया गया है। पूरी बॉडी स्किन के लिए और फेशियल स्किन के लिए तो ये फ़ायदा करता है, लेकिन स्पेशली नॉन ड्राइंग पैक है। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसका वीडियो अवश्य देखिएगा, अंजीर एलोवेरा पर एक वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तो ये नॉन ड्राइंग पैक है, ये यहाँ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सक्षम है। फिर आपने वॉश किया, वॉश करते समय रबिंग स्क्रबिंग नहीं, निर्धारित समय है 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स ही रखना है। वॉश करने के बाद रोज़ सीरम स्प्रे करेंगे और उसके गीलेपन पर लेवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र, दोनों में ही एचए कोलाजन मेकिंग कंपोनेंट है, बक्ची ऑयल है, बक्ची प्लांट का विटामिन ए, नेचुरल सोर्स विटामिन ए का है बक्ची ऑयल, तो ये आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, कोलाजन सिंथेसाइज भी होगा, विटामिन ए भी यहाँ पर मिलेगा, उसके साथ साथ आपको लेवेंडर कैम्फर, और लेवेंडर त्वचा को काम रखता है, कैम्फर डिसइंफेक्टेड रखता है, और रोज़ सीरम में विटामिन सी भी है, विटामिन ए के साथ साथ एच ए है, और रोज़ पेटल्स का एक्सट्रैक्ट डिस्टिलेशन मेथड से लिया गया। क्या चाहिए? दिन भर 8 घंटे के लिए इस ढंग के न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स लगे होंगे इस एरिया पर, तो ये एरिया अपने आप में दिन प्रतिदिन ठीक होता आपको नज़र आएगा। अब इवनिंग में आप क्लिंजिंग करेंगे, अगर आपने आई मेकअप किया है तो पहले मैरीगोल्ड क्लिंजर से आप अपने लाइनर, मस्कारा और अंडर आइज एरियाज पर जो फाउंडेशन है वो, और साथ साथ पूरे चेहरे के मेकअप कॉस्मेटिक्स को क्लीन कर लेंगे, और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया पर आप हल्की सी मसाज गोल्ड सैफ्रन क्रीम पर कर लेंगे, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा समस्या है। पूरे चेहरे की क्लिंजिंग करते समय पूरे चेहरे की मसल्स जो हैं वो टोन अप हो चुकी हैं, मॉर्निंग में आपने एक्स्ट्रा टोनिंग की, उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ दी, और मसाज ही एकमात्र फेशियल एक्सरसाइज है। प्लीज़ फेशियल एक्सरसाइजेस से बचिए, फेस योगा, फेशियल एक्सरसाइजेस ये डायनामिक रिंकल्स देती हैं। डायनामिक और स्टैटिक रिंकल्स पर 2 वीडियोज़ हैं जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इन सब एक्सरसाइजेस और योगा से ज़रूर बचना है आपको। थिकनेस के बारे में आप त्वचा की जान गए हैं कि बॉडी स्किन कितनी थिक है, फेशियल स्किन कितनी थिक है, और अंडर आइज एरिया की स्किन कितनी थिक है, और वॉल्यूम लॉस होने का मतलब है मसल्स का लॉस होना। तो फेशियल स्किन जब थिन है तो यहाँ पर मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना डायरेटिक एक्शंस के साथ साथ प्रोटीन और जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं वो प्रोडक्ट्स के थ्रू, स्किन चूंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो प्रोडक्ट्स के थ्रू उनकी डिलीवरी कर सकते हैं। आपका बोलना, देखना, ब्लिंक करना ही फेशियल एक्सरसाइज है पर्याप्त मात्रा में, अन्य एक्सरसाइज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। पूरी बॉडी की स्किन थिक है तो यहाँ पर आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो उसे और भी स्ट्रेंथन अप कर देता है। ये अंतर को आपको समझना होगा, वरना आप डायनामिक रिंकल्स को स्टैटिक रिंकल्स में बदलने में सफल हो जाएंगे अगर फेशियल एक्सरसाइजेस और फेस योगा करेंगे तो। तो इन सब बातों से बचना है। शाम को जब आपने क्लिंजिंग कर ली तो हल्की सी मसाज आप यहाँ पर कर लेंगे, और फिर इसके बाद आप ब्राइटनिंग मास्क की रेजिमेन अंडर आइज एरियाज के लिए वीक में 2 बार करेंगे, और फिर ब्राइटनिंग मास्क उतारने के बाद आप रोज सीरम स्प्रे करके मॉइस्चराइज करेंगे पूरे एरिया को, और सोते समय आप आर्गन ऑयल ज़रूर लगाएंगे यहाँ पर। सोते समय सेल रीजनरेशन रात में 10 से 2 जब चलता है तो बहुत अच्छे पोषण अगर त्वचा में लगे हों तो उनका फ़ायदा सुबह दर सुबह आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपकी अंडर आइज एरियाज की केयर रेजिमेन है, एक नॉर्मल कॉमन रेजिमेन बताई है। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप हमें 9554326609094152824074 पर अपनी अनफिल्टर्ड पिक सेंड करके अपनी रेजिमेन कस्टमाइज़ करा सकते हैं। वीडियोस में जब हम बताते हैं तो एक इन जनरल रेजिमेन हम बताएंगे, लेकिन जब आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करते हैं तो वो रेजिमेन कस्टमाइज़ आपके लिए होती है स्पेशली। थैंक यू सो मच,
Please share this video with all your friends and relatives. Comment box में ज़रूर देखेगा सारे videos और blogs के link आपको मिलेगी और आप फ़ायदा उठा सकते हैं.